सो वेलकम ऑल आज के इस वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल के ऊपर एंड वी लर्न यू नो फॉर लूप्स क्या होता है कैसे होता है वाइल्ड लूप्स इटरेशन रेंज फंक्शंस और फ्लो ऑफ कंट्रोल और कंटिन्यू ब्रेक ये सारी चीज़ें देखेंगे एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस वीडियो इस सेक्शन को और फिर अगले वीडियो से वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चन बहुत फैंसी क्वेश्चन होते हैं ना स्टार्स बनाना स्टार रेक्टेंगल प्रिंट करना स्टार टेबल ट्राइंगल फॉर्म में प्रिंट करना नंबरिंग टाइम फॉर्म में प्रिंट करना मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल और इंटरनल लूप्स को यूज करके हम बड़ा मजदार मजदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओके सो लेट स्टार्ट सो इटेशन और रिपीटेशन क्या होता है सो so, रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल यूजिंग लूपिंग कंस्ट्रक्ट तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत से टाइम पे हम एक ही काम को बार बार दो बार चार बार पांच बार छह बार इसी काम को ये कुछ एक पांच काम है इसी को हम करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन तो इस तरीके के काम को करने के लिए हमको लूप्स का यूज़ करना पड़ता है और लूप्स के अंदर हम फिर कंडीशंस चेक करते हैं इफ़ लगा के फिर लूप्स के अंदर हम यू you नो know, ये भी चेक कर सकते हैं कि इस लूप में हम अगर काम कर रहे हैं तो काम करते करते हम हमें मान लो ये ये आ, कुछ दस लाइन हमने इसमें लिखी हुई है और हम कुछ चेकिंग करना चाहते हैं कि यह आठवीं नौवीं और दसवीं लाइन या छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं लाइन तभी एग्जीक्यूट हो जब यह कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम ये कंडीशन चेक करने के बाद अगर चाहें तो लूप को वापस एक नंबर से चालू कर सकते हैं जैसे होता है ना बच्चों को कोई काम दिया उन्होंने ठीक से नहीं किया उसको वापस से फिर से काम कराओ तो ये हम वापस उसको कितनी दफ़ा जितनी दफ़ा हम चाहेंगे किसी भी लाइन से हम वापस उसको ऊपर लेके जा सकते हैं दिस इज़ फ्लो ऑफ कंट्रोल बहुत से दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने शुरू का पांच लाइन चेक कराया और फिर हमें लगा कि नहीं अब हमें और नहीं चेक कराना बोलेंगे भैया अब अगला पाँच लाइन स्किप करो और बाहर चले जाओ और बाहर जो लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट कर दो तो दिस इज़ ऑल्सो फ्लो ऑफ कंट्रोल बट एनी फ्लो ऑफ कंट्रोल के पहले लूप्स तो लूप्स इज बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ बेसिकली यूज टू रिपीट एनी और more than one statement, depending on some condition or something like that. और सबसे पहला जो loop है जो हम पढ़ेंगे so that loop is for loop. सबसे आसान वाला सबसे बढ़िया वाला ये loop होता है इस loop में basically हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखते हैं इसमें सबसे पहले हम start करते हैं for keyword बोर्ड लगा के उसके बाद एक वेरिएबल हमें बताना पड़ता है बिकॉज अभी भी मान लो आप लूप चलाओगे आप पांच बार आप एक ही चीज को पांच बार कराना है तो आपने कहीं काउंटिंग रखनी पड़ेगी ना कि अभी एक बार हो गया अभी दो बार हो गया अभी तीन बार हो गया अभी चार बार हो गया अब पांच बार हो गया निकल जाओ तो आपको कुछ काउंटिंग रखने के लिए आपको आपके पास कुछ कुछ जगह होनी चाहिए तो उस चीज को रखने के लिए हम एक कंट्रोल वेरिएबल यूज करते हैं जिसको हम अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं दूसरा किसी सीक्वेंस में हम कोई कंडीशन यहां चेक कर सकते हैं या कोई जिस जिस समय तक हमें काम करना है वो कंडीशन से यहाँ चेक होगा जो आई नॉर्मली सीक्वेंस या आइटम्स कुछ होता है और इसके नीचे जो भी हमें काम करना है हम वो लिख देंगे और ये प्रोसेस तब तक रन करता रहेगा जब तक इसका जो कंडीशन है वो फुलफिल ना हो जाता है सो दैट इज हाउ द इंटायर फॉर लूप इज कंस्ट्रक्टेड सो लेट अस क्विकली सी एक छोटा सा एग्जाम्पल अब इस एक छोटे दो लाइन के एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि फॉर लेटर इन पाइथन लेटर इज अ कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं नम, नम टू, ए वन ए वट एवर सो दिस इज दिसबलबल सो फॉर लेटर इन पाइथन सो दिस इज अ स्ट्रिंग विच आई एम पासिंग तो इफ आई एम पासिंग अ स्ट्रिंग तो ये क्या करेगा कि ये भी कोई भी सीक्वेंस हो और कोई भी आइटम्स होता है तो वन बाई वन वो इसमें लेके आता है अगली बार फिर लॉट के आएगा तो इसको इसमें लेके आएगा फिर अगली बार लॉट के आएगा तो तीसरे वाले को इसमें लेके आएगा फिर अगली बार लॉट के आएगा तो चौथे वाले को इसमें लेके आएगा फिर अगली बार लॉट के आएगा तो पांचवें वाले को इसमें लेके आएगा और हर बार वो यहाँ जो नीचे आपने जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये वापस चला जाएगा सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस विल गो ऑन सेम काम यहाँ पे भी होगा हमने बोला काउंट में वी मेड आइटम्स टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी और फिर हमने बोला फॉर नम इन काउंट प्रिंटर्स तो अभी क्या करेगा कि ये काउंट में तो वो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी है तो पहला जब ये लूप पहली बार रन करेगा तो काउंट के अंदर का वैल्यू ये टेन इसमें चला जाएगा फिर जब अगली बार रन करेगा तो ये ट्वेंटी इसमें चला जाएगा फिर ये अगली बार में ये थर्टी इसमें चला जाएगा फिर अगली बार में फोर्टी चला जाएगा फिर अगली बार में फिफ्टी चला जाएगा तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जितनी बार आप रन करा रहे हैं आपका वैल्यू उस पार्टिकुलर वेरिएबल में दे दे रहा है जिसके चलते आपका काम आराम से हो जाए सो so, ये दो एग्जाम्पल छोटे से एग्जाम्पल हैं और लूप को समझने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है बट वंस यू अंडरस्टैंड इट विल बी वेरी इजी तो ये देखिए पहले ये नंबर वाला कर लेते हैं हमने एक कोई वेरिएबल बनाया काउंट उसके अंदर टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी वटेवर जो भी डालना चाहते हैं हमने डाल दिया नाव आई वट इज सेट फॉर नम इन काउंट तो देट मीन्स कि अकाउंट में जो जो वैल्यू है वो वैल्यू एक एक करके आप नम में लेके आइए और तब उसको आप रन कराइए तो जब ये वैल्यू ये जब ये जब रन करता है तो दैट इज विल बी डन सबसे पहले नम में सबसे पहले नम में वाई दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सबसे पहले नम में टेन आएगा फिर अगली बार 20 आएगा फिर अगली बार 30 आएगा फिर अगली बार 40 आएगा फिर अगली बार 50 आएगा एंड सो ऑन टिल वी रीच द एंड ऑफ द सीक्वेंस सो लेट लेटस सी ये हमने छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया अब इसको रन करा के देखते हैं रन हाँ कर दो ना सेव किसने बना किया सेव करने से ना वेन दिस प्रोग्राम इज़ रन दिस इज आउटपुट सी हमने क्या क्या था हमने बोला सिर्फ प्रिंट करा दो तो पहली बार टेन आया उसने प्रिंट कर दिया फिर अगली बार फिर उसका अगला वैल्यू आया फिर वो प्रिंट कर दिया फिर अगली बार थर्टी आया उसने प्रिंट कर दिया फिर अगली बार फोर्टी आया फिर उसने प्रिंट कर दिया तो जैसे जैसे आप ये रन करेगा एवरी टाइम दिस विल बी डन नाउ एक काम और हम करते हैं हम एक और वेरिएबल ले, ले लेते हैं लेट्स से वी टेक अ वेरिएबल कॉल्ड सम ठीक है जी अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि जितना भी हमारे पास काउंट में जितना भी वैल्यू आ रहा है ना उसको जोड़ते चले जाओ तो सम इज इक्वल्स टू या सम प्लस इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू सम प्लस नम, ठीक है और एक बार जब ये लूप कंप्लीट कर लेगा तो जब नीचे आएगा तब हम इसको बोलेंगे प्रिंट टोटल वैल्यू टोटल ऑफ प्रिंटेड वैल्यू इज सम में जो भी है दैट वी विल शो टू इट ठीक है ये नाउ लेट अस सी लेट अस रन दिस प्रोग्राम एंड सी के आउटपुट क्या आ रहा ये रहा पहले नंबर टेन आया फिर ट्वेंटी आया फिर थर्टी आया फिर फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी अब आप इसको जोड़ोगे तो टोटल वैल्यू शुड भी दिस मच टू एट्टी तो एवरी टाइम इट इज कमिंग और समय वो जोड़ रहा है फिर ऊपर चले जा रहा है फिर फिर समय जोड़ रहा है फिर ऊपर चले जा रहा है जोड़ रहा है फिर ऊपर चले जा रहा है फिर जोड़ रहा है फिर ऊपर चले जा रहा है ठीक है तो आई कैन हैव एनी नंबर्स आई कैन हैव एनी वैल्यू इसके बाद में अगर हम कुछ मान लीजिए एक और प्रिंट देना चाहते हैं क्स्ट स्टेप नेक्स्ट वैल्यू कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा फिर जोड़ेगा फिर बाहर जाएगा सेव कर लिया रन करा लिया ये रहा टेन फिर नेक्स्ट वैल्यू बिकॉज यहां हमने बोला था टेन फिर नेक्स्ट वैल्यू फिर टेन फिर नेक्स्ट वैल्यू ट्वेंटी फिर नेक्स्ट वैल्यू थर्टी नेक्स्ट वैल्यू फर्टी नेक्स्ट वैल्यू फिफ्टी नेक्स्ट वैल्यू सिक्सटी वैल्यू वैल्यून सेवेंटी द लास्ट वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू एंड देन इट केम आउट द लूप एंड प्रिंटेड एवर इज रिटर्न हियर सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर इसमें एक और हम मना देते हैं दूसरा वाला तो हम क्या करते हैं कि ये जो इन सारे को बोलते हैं अभी आप एग्जीक्यूट मत करो अभी तो चूंकि मैं एक करके एक करके इनको हटा रहा हूँ वट वी कैन डू की एक ही बार हम सबको हटा सकते हैं बट दैट वी विल लर्न लेटर ऑन अभी हमने क्या बोला ए वन में लेट से वी हैव वैल्यू कॉल्ड क्या था प्रिंट था ना शायद था hmm. So we will put a value in A, and the value which we are trying to put is this. Python is fun, done. And then simple sahe, for val1 in A1, print val1. ठीक है टू लाइन कोड सो एवन में मैंने ये वैल्यू डाला अब उसको बोला कि ए वन में जो जो है वो एक एक करके वैल वन में लेके और उसको प्रिंट करते चले जाओ तो वो पहले पी लेके आएगा वैल वन में फिर वाई लेके आएगा वैलवन में फिर टी लेके आएगा वेल वन में एंड सो ऑन सो जस्ट लेट सेव दिस एंड रन दिस प्रोग्राम सी दिस इज वॉट वन बाई वन इट हैज प्रिंटेड पाई थर्न इज वन सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ द लूप कंस्ट्रक्ट वेरी इजी वेरी हैंडी वेरी गुड टू एक्चुअली वर्क इट ऑन ओके अब एक और प्रोग्राम था जो कि हमको इवन नंबर प्रिंट करने वाला प्रोग्राम करना था इफ यू रिमेंबर सो दैट वी कैन डू इट हियर अब मान लो इसको ही चूंकि मुझे ये यूज करना था दैट इज वाई आई मेड दिस यहां पे आई विल सेव दिस प्रोग्राम बाय चैप्टर सिक्स इवन तो मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दिया लेट्स से कुछ भी डाल दिया ना थ्री डाला फाइव डाला एट डाला फिफ्टीन फोटीन डाला ट्वेंटी वन डाला थर्टी फाइव डाला फिफ्टी फोर डाला सिक्सटी नाइन डाल दिया या सिक्सटी एट डाल दिया सेवेंटी डाल दिया ठीक है कोई सम तो करना है नहीं हमें सो वी वी आर रिमूविंग दिस इस वेरिएबल का कोई ज़रूरत हमें है नहीं नाउ व्हाट वी नीड टू डू फॉर नम इन काउंट काउंट में जो भी वैल्यू है उसको करो बट दिस टाइम वी हैव टू चेक क्या चेक करना है इसको हटा देते नीचे वाला इसलिए हमें चेक करना है कि ऑड है कि नहीं और ऑड है कि नहीं चेक करने के लिए वी कैन यूज इफ इफ जो भी है ये

तो जो नंबर अभी हम चेक कर रहे हैं वो नम में है तो हमने वो डाला नम डन इज़ अ इवन नंबर बंद कर दिया हमने ठीक है जी क्लियर एल्स अगर इवन नहीं है तो क्या होगा वो ऑड अगर हमें सिर्फ इवन प्रिंट, प्रिंट करना है तो ये लाइन की ज़रूरत नहीं है आप एल्स पार्ट हटा दीजिए बट हम चाह रहे हैं कि वो इवन और ऑड दोनों प्रिंट कर दें ज अड नंबर ठीक है और वंस वी आर डन विद दिस प्रोग्राम वी विल जस्ट प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग माई सर्विस डन है नाउ लेट्स सेव इट लेट्स रन इट कुछ गड़बड़ है हाँ गड़बड़ है कॉलोन एक्सपेक्टेड है ओके okay. ठीक है जी एक्सपेक्टेड है तो दे देंगे दे देंगे सर एक्सपेक्टेड है तो आपके एक्सपेक्टेशन को मैं जरूर पूरा करूंगा अभी रन कर लीजिए सी सीयर थ्री इज एन ऑड नंबर फाइव इज एन ऑड नंबर एट इज एन इवन नंबर फोर्टी इज एन इवन नंबर ट्वेंटी नंबर थर्ट इज एन इवन नंबर थर्टी फाइव एन ऑड नंबर फिफ्टी इज एन इवन नंबर सोन वन थैक्स यू मै सर्विस एज सिंपल एज डट आई होप डिस प्रोग्राम इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू ये ना मच्छर अच्छर नीड गुड नाइट्स एनी वेज सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम रन आई विल बी शेयरिंग एक कोड्स दे देंगे आपको सो so दैट आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो उसको रन कराने में एनी वेज दिस इज डन दिस इज डन दिस इज डन सो एक छोटा सा ये है indentation, indentation कैसे काम करता है ये बेसिकली फॉर लूप कैसे काम करता है दिस इज नॉट दिस इज लुपिंग कंस्ट्रक्ट लुपिंग सो वी स्टार्ट इट इनिशलाइज इट टेस्ट द एक्सप्रेशन अगर ट्रू है

या दो के बाद पांच लाएगा आठ लाएगा कैसे जाएगा ये वोट विल बी द स्टेपिंग दिंग प्रोसेस यू विल डिफाइन इट हियर इन स्टेप अब माइंड इट ये भी ऑप्शनल है और ये भी ऑप्शनल है ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना बोथ आर ऑप्शनल सो अगर ऑप्शनल है तो उसका कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होना चाहिए सो द स्टार्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड डिफॉल्ट इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो और स्टेप अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो डिफॉल्ट वैल्यू इज वन सो दीज टू यू नीड टू चेक जीरो और वन आर द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ रेंज फंक्शन अस सी इस पहले वाले एग्जांपल में क्या कहानी है तो हमने सिर्फ एक टेन दिया है इसके अंदर तो टेन दिया है तो आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया है कि दोनों हमने स्कीप कर दिया स्टार्ट कहां से करना है और स्टेप क्या करना है तो ये स्टार्ट कहां से करेगा जीरो का स्टेप क्या लेगा वन

डिफॉल्ट स्टेप ले लेगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक करके छोड़ेगा बिकॉज हमने इसमें स्टेप नहीं दिया है यहां देखिए हमने तीनों दे दिया जीरो थर्टी फाइव स्टार्ट किया जीरो से स्टेप हमने बोला है फाइव तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी रुक जाएगा नहीं पड़ेगा बिकॉज इट विल एक्सक्लूड दैट वैल्यू आई होप देन इज अ गुड वन माइनस वन माइनस वन उल्टा करता है और जैसे मैंने बोला जीरो माइनस नाइन माइनस वन सी सो इट सेज जीरो से शुरू किया जनरेट okay? so so करके देन वी कैन एक्चुअली वर्क इट ऑन ओके अब इसके इसका एक और दूसरा वेरिएंट देख लेते हैं विच इज कॉल्ड वाइल लूप वाइल लूप इज जस्ट एज लाइक फॉर लूप बस थोड़ा सा चेंज है इसके कंडीशन में इसके सिंटैक्स uh, में सो द वाइल स्टेटमेंट एक्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली, एज लॉन्ग एज द कंट्रोल कंडीशन ऑफ अ लूप इज थ्रू अब जब इसको हम करेंगे तो देखेंगे कि हम बेसिकली एक वाइल ऐसे वाइल बनाते हैं यहाँ पे कंडीशन डालते हैं और ये इसकी बॉडी रहती है तो अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा ये एग्जीक्यूट करेगा फिर आएगा फिर चेक करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा फिर आएगा फिर चेक करेगा फिर एक्जीक्यूट करेगा फिर आएगा चेक करेगा सो दट इज वाउ वाइल डज द कंट्रोल कंडीशन ऑफ वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी स्टेटमेंट इन द लुप इज़ एक्जीटेड तो पहले ऑबियस बात है यह लाइन एक्जीक्यूट करती है आफ्टर रिच इटरेशन द कंट्रोल कंडीशन इज टेस्टेड अगेन एंड द लूप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू ओकेट सी फ्लो स्टार्ट करेगा initialize करेगा टेस्ट करेगा एक्सप्रेशन ट्रू है तो बॉडी execute होगी वापस टेस्ट करेगा एक्सप्रेशन बॉडी एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन जब भी फॉल्स हुआ तो ये बाहर चला जाएगा और जो लूप के बाहर कुछ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा और यू फिनिश करेगा दैट इज आव इट इज़ डन सो वी विल चेक फ्यू conditions क्विकली नाउ नेक्स्ट दो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रेक और कंटिन्यू का ब्रेक क्या करता है ब्रेक इज़ बेसिकली यूज टू कम आउट फ्रॉम लूप मान लीजिए दिस इज़ अ कंडीशन लूप और हमने कुछ लिखने के बाद हम लोग कुछ कंडीशन चेक कर रहे हैं और इस कंडीशन के ट्रू होने पे देखिए एक कंडीशन तो यहाँ पे होगा जब ये लूप शुरू होता है वाइल्ड लूप या फॉर लूप है जो भी इसके अंदर हमने मान लो कोई कंडीशन चेक किया और ये कंडीशन ट्रू होने से हम चाहते हैं कि नीचे का एग्जीक्यूट ना हो तो हम यहाँ पे ब्रेक बोलेंगे तो जैसे ही ब्रेक बोलेंगे ये एकदम से लूप के बाहर जाएगा और यहां से जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा सो ब्रेक स्टेटमेंट अल्टर द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एट इट टर्मिनेट द करंट लूप फिनिश और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर सेम हमने ये वाइल लूप लिखा और यहां पे कुछ कंडीशन डाला और ये इसका हमने यहां से यहां बॉडी बनाया अब हम यहां कुछ 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 लिख रहे हैं यहां पे आई एम अगेन चेकिंग अ कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम चाहते हैं कि वो वापस कूद के यहीं से ऊपर चला जाए ये वाला एग्जीक्यूट ना करे और यहीं से ऊपर चला जाए तो ऐसे केस के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं सो द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज इनकाउंटर ऑफ रिमेनिंग स्टेटमेंट इन साइड द बॉडी ऑफ लूप फॉर द करेंट इटरेशन एंड जम्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप दैट इज हाउ इट डज नाउ इट लूप कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप स्टेटमेंट आएगा इफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर्ड है तो वापस ऊपर चला जाएगा फॉल्स है तो नीचे जाएगा एंड देन अपने कंडीशन के ऊपर काम करेगा एंड देन इट विल कम आउट डन सो देन कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप नेस्टेड लूप में क्या होता है ना कि एक लूप के अंदर दिस इज वन लूप इसके अंदर वी हैव वन मोर लूप सो दिस इज़ सपोज एक कंडीशन है ये कंडीशन हम चेक करके इसके अंदर घुसे इसके अंदर एक फर्दर कंडीशन है अब इस कंडीशन के बेस के ऊपर ये एग्जीक्यूट होगा ये हो सकता हमने कुछ ऐसा सीक्वेंस किया कि ये बाहर वाला लूप दस बार एग्जीक्यूट करे और हर बार ये पांच एक बार एग्जीक्यूट करे सो बेसिकली टेन इंटू फाइव टोटल एग्जीक्यूशन विल भी फिफ्टी सो इस लूप के अंदर ये लूप आया ये एग्जीक्यूट किया फिर वो नीचे आएगा फिर जो भी कंडीशन है फिर वो वापस ऊपर जाएगा यहाँ कंडीशन चेक करेगा फिर यहां करेगा फिर लूप में घुसेगा फिर इसको फिर उसको एग्जीक्यूट किया फिर जरूरत पड़ा तो वापस आया फिर एग्जीक्यूट किया जरूरत पड़ा तो वापस आया फिर एग्जीक्यूट किया जरूरत पड़ा तो वापस आया फिर एग्जीक्यूट किया जरूरत पड़ा तो वापस आया अदरवाइज बाहर गया ये एग्जीक्यूट किया यहाँ का कंडीशन चेक किया फिर ऊपर आया फिर सेम प्रोसेस रिपीट अनलेस एंड एंटिल दिस कंडीशन बिकम फॉल्स जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है इट विल कम आउट ऑफ बोथ द लूप्स अनस्टेड लूप थोड़ा सा यू नो इट्स 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 बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड बिकॉज थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बड़ा फनी है अगर आप समझ जाते हो तो बड़ा मज़ा आता है इस प्रोग्राम बनाने में ओके सो वी विल जस्ट सी द एग्जाम्पल फॉर ऑल दीज जो भी हमने पढ़ा और uh, कुछ एक्सरसाइजेज हैं आई होप इट्स वेरी क्लियर वट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एल्स सिर्फ कंस्ट्रक्ट तो एल्स सिर्फ एक कंडीशन चेक करता है एल एफ फॉर मोर देन वन कंडीशन रेंज फंक्शन का क्या यूज है तो बेसिकली रेंज फंक्शन यूज़ किया जाता है वैल्यूज निकालने के लिए बिटवीन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज विथ स्पेसिफाइड स्टेप ब्रेक और कंटिन्यू का क्या एग्जाम्पल है तो ब्रेक यूज़ किया जाता है लूप से बाहर निकलने के लिए कंटिन्यू यूज़ किया जाता है लूप के शुरू में जाने के लिए एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं देखेंगे नेक्स्डीज में इनफाइनाइट लूप क्या होता है तो इनफाइनाइट लूप एक ऐसा लूप है जिसमें आपका कंडीशन कभी मैठी नहीं होता तो अगर ये लूप है और आपने यहाँ कंडीशन कुछ इनफाइनाइट कंडीशन दे दिया है विच नेवर गेट्स फुलफिल्ड तो आपका प्रोग्राम हैंग कर जाएगा और इसी के अंदर भी घूमते रहेगा और वो कभी एंड ही नहीं करेगा so an infinite loop is a loop where the condition of the loop does not terminates and the program goes on for an infinite times okay done so we will start the exercise